हेलो यूट्यूब, आज मैं कास्ट ऑन स्टिच के साथ डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स बना रही हूँ। ये देखें आप, यूँ इस तरह से आपने इसमें आपने धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा टाइट नहीं आइरन करना। जब आपने स्टार्ट लेना है तब टाइट करना है, और जब आपने एंड पे आना है तब उसे टाइट करना है। सेंटर में थोड़ा सा आपने उसे लूज छोड़ना है। ऐसे आपने अब इसका रुख जो है आपने सारे का सारा आपने एक साइड पे करना है। अब हमें यहाँ से लेना है इसे दोबारा, दूसरा जो बनाएंगे हम इस साइड से लेंगे और वो यहाँ तक लेके आना। मैंने 9 टाइम लिया है। इसमें ये धागे को थोड़े से बल पड़ते हैं, वो आपने ज़रा केयरफुली से हैंडल करना है।
मैं भी आप वाले धागे को ना हूं। फिर थोड़ा सा मोटा धागा लेते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छा लगता है, ज़रा हैवी सी लुक आती है उसकी। ये आपने नोट किया होगा कि जब मैं इस साइड का बनाती हूँ तो जो बल होता है वो इस तरफ को आता है। जब ये वाली बनानी है तो ये वाली चीज़ इस तरफ को आनी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब आप देखिएगा, इस स्टिच का ये है कि आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं दोबारा, अगर इनके हिसाब से कुछ कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा वो नहीं सही होता, तो आप इस तरह से नीडल के साथ इसे यूं ऐसे करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब ये देखें, मुझे ये वाली साइड बनानी है इस साइड को, तो फिर मैंने कैसे करना है ये भी आप देखिएगा। ये देखें, अब मैंने इस तरफ को इसका रुख किया है ऐसे, ये वाली चीज़ इधर आ रही है, इसका एज जो है यूँ ऐसे। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना आप चाहें कि ये थोड़ा सा ऐसे फैली हुई हो, तो आप इसमें इसको नीचे उसी धागे के साथ यूं इस तरह से कपड़े के साथ भी जोड़ सकते हैं ऐसे। लेकिन मैंने ये नहीं जोड़ी है इसलिए कि मुझे ये इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको दिखाने के लिए ये मैंने इस तरह से की। अब हम इसके ये लीफ बनाएंगे। आप किसी भी स्टिच के साथ बना सकते हैं लीव्स जो है। लेकिन ये वाले लीव्स जो है ये मैंने रोमेनियन स्टिच के साथ बनाए।
इस तरह से इतना सा इसके थ्री पार्ट्स कर लेते हैं एक स्टिच के। फिर इसकी अलहदा से मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है रोमानियन स्टिच की, लेकिन मैंने सोचा कि इधर आपको बना के भी दिखा दूं ताकि आप लोगों को इजी रहे। जब बहुत बड़ा लीफ होता है या बहुत लंबे लंबे स्टिच लेने होते हैं तो फिर हम ये रोमानियन स्टिच, और उसको हमें उस लीफ को अगर डिवाइड नहीं करना पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, तो फिर हम ये रोमानियन स्टिच से बनाते हैं ताकि वो धागा सेंटर से उठे भी नहीं, वो दब भी जाए और लीफ भी अच्छा लगे। क्योंकि अगर आप यही स्टिच ये स्ट्रेट स्टिच से बनाएंगे तो धागा जब आप फ्रेम उतारेंगे तो उठना शुरू हो जाएगा। वैसे तो मैंने लीफ स्टिच की अलहदा से भी वीडियोस अपलोड की हैं, आप वहाँ से देख के उस स्टाइल का भी बना सकते हैं। और इसके सेंटर में मैंने ये बुलियन नॉट बनाई है। अब हम ये फिल करेंगे। इसको फिल करने के लिए आप इसे स्ट्रेट स्टिच के साथ भी कर सकते हैं, डबल फ्रेंच नॉट भी लगा सकते हैं। ये थोड़ी सी आपने लूज रखनी है, ये फ्रेंच नॉट आपने टाइट नहीं करनी है। इसी तरह से आप इधर भी कोई सा भी कलर यूज कर लें।
और इसी तरह मैंने ये भी सेंटर में फ्रेंच नॉट डाली है। अगर आप चाहें तो इसमें मोती लगा सकते हैं, यहाँ पे भी मोतियों का टच दे सकते हैं। जो चीज़ आपको अगर फैंसी टच देना हो तो फिर आप इसकी साइडों में भी मोती परो सकते हैं, सुई के साथ इसकी साइडों में इधर 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 भी बीड्स लगा सकते हैं आप। यहाँ पे आप बुलियन नॉट बना लें, जैसे ये मैंने बुलियन नॉट बनाई है। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।